दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे LIC असिस्टेंट के जो मार्क्स हैं वो आ चुके हैं। आप लोग LIC के कैरियर पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक में सीधा सीधा लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ मार्क्स असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2019। तो 2019 में जो लोग अपेयर हुए थे उनके मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी ये लिंक थोड़ा सा जो है सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है, सर्वर में इशू आ रहा है, तो इस वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने चेक भी कर लिए, लेकिन आने वाले टाइम पर ये प्रॉपर फंक्शनल करेगा। और रही बात ऑथेंटिसिटी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल ये लिंक मिला था, यहाँ पर एक्टिव नहीं था, तो वो ये पूछ रहे थे क्या ये जो है वैलिड लिंक है या फिर ये फेक लिंक तो नहीं है। तो फेक का कोई इशू नहीं है, ये लिंक अब LIC की वेबसाइट पर अपीयर कर रहा है, तो आप यहाँ पर अपने अपने मार्क्स जो है वो चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के बेसिक डाउट से रिलेटेड है। क्योंकि जब RTI फाइल करके लोगों ने अपना स्कोर कार्ड पता किया था तो वहाँ पर हमने दो तीन चीज़ें देखी थी। एक तो ये था कि जो कट ऑफ वाला सीन था वो क्या रहा था, तो उसकी हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो भी आपका ये जो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो कट ऑफ है, कट ऑफ का कोई भी रिडक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। मतलब जो कट ऑफ, एज्यूम कर लो कट ऑफ 16-18 आपकी फिक्स कर दी गई, तो उन्होंने इसको कोई चेंज नहीं किया। जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है वो प्री डिफाइंड पहले से ही जो कट ऑफ थी उसके ऊपर अपने अपने पेपर को क्वालिफाई किया है। ठीक है, एक डाउट और लोगों का है कि जो इम्पैनल्ड कैंडिडेट है, ठीक है, एक लिस्ट निकाली गई थी जिसमें इम्पैनल्ड लोग हैं, तो इनका क्या होगा अब? तो देखो सीधी सी बात है, LIC ने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो इम्पैनल्ड स्कोर है, ठीक है, जिन लोगों का इम्पैनल लिस्ट में है, ये फ्यूचर परस्पेक्टिव से रिजर्व रखे गए हैं। ऐसे लोग जो LIC असिस्टेंट 2019 को ज्वाइन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, व्हाटएवर जो भी होगा, तो फिर उनकी लिस्ट में से जो इम्पैनल लोग होंगे उनको केवल कॉल करके पहले बुलाया जाएगा। ठीक है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये वाला जो आपका स्कोर कार्ड है ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर ऐसा हम देखें कि 2020 में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर अभी ये कहना 100% गलत होगा कि वैकेंसी नहीं आएगी। मे बी ऐसा हो कि ये इम्पैनल वाले कैंडिडेट सारे फुलफिल हो जाएं, और भी बंदों की रिक्वायरमेंट हो LIC को, तो LIC रिक्रूटमेंट करेगा। ठीक है, एक तो आप ये ध्यान रख लेना। फिर कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर नॉर्मलाइजेशन का फिगर वहाँ पर काम किया था या नहीं किया था। तो जैसा मुझे और लोगों से, मतलब जो स्कोर कार्ड देखकर जानकारी मिली है, एक आध नंबर का चेंजेस करंट अफेयर GA वाले सेक्शन में देखने को मिला है, इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। रही बात कट ऑफ भी उनकी वही रही है, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ देखने को मिला है। जो भी लोग परफॉर्म करके आए थे उनका, उनके हिसाब से उनको स्कोर देखने को मिला है। ओके, और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पर जो आपके बड़े एग्जाम्स हैं उनके ऊपर फोकस करो, अपना स्कोर कार्ड देखो, इससे कुछ सीखो, कहाँ पर गलती रह गई, कहाँ पर कमी थी जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, कौन सा जो है सेक्शन अच्छा नहीं हो पाया। क्योंकि मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि ये जो प्री डिफाइंड कट ऑफ वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं ये कई बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि इनका अगर GA का पेपर बहुत टफ आ जाता है तो मैक्सिमम लोग जो है GA के पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते। या फिर मैं बात करूं अगर क्वांट का पेपर ही अच्छा आ गया तो वहां पर कैसे क्वालिफाई करोगे। उन्होंने कह दिया है कि 50 नंबर में से जो लोग 18 नंबर लाएंगे वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे MQM। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को परेशानी देखने को मिलती है। इसका सीधा सा एक ही फंडा है, करना क्या है, हमें करना ये है कि दोस्तों पहले से ही हमें प्रिपेयर करके रखना है वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी। ठीक है, पेपर अगर आसान आया तब तो कट ऑफ वाला जो स्लैब है वो तो आसानी से निकल जाता है 16-18-20 वाला, लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ गया, ठीक है, तो उस केस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एम्पल अमाउंट में प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे मॉक टेस्ट लगाने होंगे और मल्टीपल टाइम रिपीटिशन करना होगा प्रैक्टिस करके। ठीक है, मैं आपको अभी रिकमेंड करूंगा, अगर मैं बात करूं RBI असिस्टेंट मेंस का है, आपका SBI क्लर्क का एग्जाम है, तो आप बिंदास ऑलिव बोर्ड के पेपर लगाओ, इनका लेवल अप टू डेट है और इनके क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर आप कोशिश करें कि कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट आप ले लें, क्योंकि मैं चाहता हूं आप वैरायटी सॉल्व करें। ठीक है, जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। एक टेस्ट के ऊपर आप डिपेंड रखें आज के टाइम पे एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, किसी मॉक टेस्ट में कुछ दिया है, किसी मॉक टेस्ट में कुछ और दिया है, तो हमें और चीज़ें समझनी है। जब आप फाइनल एग्जाम में जाते हो तो पेपर में क्या आता है, ठीक है, वो डिपेंड अलग करता है। तो अभी हमें ये समझना है कि किसी तरीके से हमें जो प्रैक्टिस करनी है उसके हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें अलग अलग जो है ऑक्यूपाई करना अलग अलग जगह से। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट 1 बना रहे हो, मॉक टेस्ट 2 बना रहे हो, ऑलिव बोर्ड बना रहे हो, ठीक है, तो आप ये देख लो कि आपने वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको यहाँ पर जब आप
IBPS का एग्ज़ाम या फिर जब आप डायरेक्टली कमीशन जिसका एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका देने जाओगे तो वहाँ पर लेवल थोड़ा बहुत जो चेंज होगा तो कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट में वो टकरा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। थोड़े से पैसे जरूर स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज में खर्च होते हैं, देखो फिर भी इतना नहीं है यार। आप फॉर्म भरते हो 600-700 रुपये का एक फॉर्म है। अगर मैं बात करूँ एक साल के लिए आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट अगर ले भी लेते हो तो आपके 3,000 से 4,000 रुपये ही केवल खर्च होंगे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में, और इसमें इतनी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी कि ये कई हद तक बहुत ज़्यादा होगी और ये आपके लिए दोस्तों बहुत बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, कुछ मॉक टेस्ट आपके 500 के भी होंगे, कुछ 999 के होंगे, कुछ 1,000-1,200 के होंगे। तो दो तीन मॉक टेस्ट ले लो और ज़्यादा है तो शेयर कर लो, तो ये दो लोगों के बीच में अमाउंट 1,500 रुपये का डिवाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर ऐसी स्ट्रेटजी हमें दोस्तों बनानी पड़ती है, ओके। तो यही है कि आपको सीखना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर इस LIC असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कट ऑफ भी भाई प्री डिफाइंड थी, और बात है इंपैनल कैंडिडेट की तो मैंने बता दिया कि उनको मौका मिलेगा, LIC ने रिजर्व करके रखा है और उन लोगों को वो टॉप ऑर्डर में बुलाएंगे, ठीक है। जिसकी जितनी अच्छी मेरिट होगी उसके उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे, ठीक है। तो अभी से उसके ऊपर भरोसा रख के मत बैठो कि यार मेरा इंपैनल में है तो मेरी लिस्ट में नाम दूसरे तीसरे चौथे पर है तो मेरा 100% हो जाएगा, ये गलतफहमी मत पालना। आपको क्या करना है कि आने वाले एग्ज़ाम्स अच्छे देने, लाइक RBI का एग्ज़ाम है, आपका SBI एग्ज़ाम है, आने वाले दिनों में आपको PO भी देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें अपनी तैयारी और अच्छी करनी है और इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मैं हमेशा आपको इस तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि आपको और हेल्प मिले, और आप ऑल बोर्ड के फ्री मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। पूरा जो एनालिसिस है वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, उसका क्वांट और रीजनिंग जो है, जो भी आप मॉक टेस्ट बनाएंगे आप नीचे रिक्वेस्ट करना, हम उस पेपर को सॉल्व करके आपको दिखा देंगे कि पजल कैसे अप्रोच करनी, DI कैसे, अरिथमेटिक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे करनी है। लेकिन पहले आप एक बार वेबसाइट पर जाएं और खुद से पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है। नीचे मैंने आपको लिंक दिया है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।